क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज खत्म हो चुकी है। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद शानदार रही। भारत ने टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया तो T20 सीरीज पर भी 2-1 से ही कब्जा किया। हालांकि वनडे सीरीज भारतीय टीम हार गई, लेकिन फिर भी अब तक के क्रिकेट इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है और कंगारुओं को भारतीय टीम ने पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। अब बारी अंग्रेजों की है, इंग्लैंड के साथ घरेलू सीरीज की है। शुरुआत टेस्ट मैचों से ही होगी। 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच चेन्नई के मैदान में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने 18 सदस्यीय टीम का भी ऐलान कर दिया है और टीम बेहद खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन यही खतरनाक टीम कप्तान विराट कोहली के लिए सिरदर्द बन गई है और 11 खिलाड़ियों के लिए भीषण टक्कर हो गई है। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच विनर भारत आते ही टीम से बाहर हो जाएंगे और विराट कोहली पूरी टीम को ही बदल डालेंगे। तो क्या होंगे पहले टेस्ट मैच में बदलाव, कैसी होगी टीम, आपको बताते हैं। आप भी टीम को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो कंगारुओं को हराने के बाद अब बारी अंग्रेजों की है। पहले दोनों ही टेस्ट मैच चेन्नई में होंगे और 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार जो 18 सदस्यों की टीम घोषित की है उसमें कई सितारे हैं। कप्तान विराट कोहली वापसी कर रहे हैं तो उनके अलावा कई और दिग्गज भी टीम में वापसी कर रहे हैं और विराट के लिए प्लेइंग 11 बनाना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैच जिताऊ खिलाड़ियों की यहां भरमार है और टीम में जगह सिर्फ 11 है। तो ऐसे में ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जिताने वाले कई खिलाड़ी भी बाहर हो जाएंगे और पहले टेस्ट मैच में अंग्रेजों के खिलाफ टीम कुछ ऐसी होने वाली है। सबसे पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी की, तो हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमान गिल की जोड़ी ही यहां पर ओपनिंग करेगी। जी हां, गिल ने आखिरी टेस्ट मैच में शानदार 91 रन बनाए थे और टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी, जबकि हिटमैन ने आखिरी पारी को छोड़कर बाकी 3 पारियों में अच्छी बल्लेबाजी की थी। लिहाजा यहां पर ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा और मयंक अग्रवाल को यहां पर मायूस होना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा ही खेलने आएंगे। पुजारा पूरी तरह से चोटिल हैं, लेकिन उम्मीद है कि पुजारा 5 फरवरी से पहले फिट हो जाएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। बात करें चौथे नंबर की, तो यहां पर विराट कोहली के आते ही बदलाव हो जाएगा। विराट कप्तानी भी करेंगे और चौथे नंबर पर खेलने भी आएंगे और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे एक पोजीशन नीचे खिसक जाएंगे और रहाणे यहां पर 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे। यानी 5 नंबर तक टीम इंडिया पूरी तरह से दमदार है और फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ भारतीय टीम यहां पर नजर आएगी। अब छठे नंबर की बात करें, तो यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलने आएंगे। जी हां, पंत को ही भारत में भी विकेट कीपर रखा जाएगा, जबकि हमेशा कहा जाता रहा है कि जब भी भारतीय टीम अपने देश में खेलती है तो साहा पहली पसंद विकेट कीपर होते हैं, लेकिन यहां पर पंत की शानदार बल्लेबाजी के बाद अब उनकी कीपिंग भी बेहतरीन हो गई है। तो ऐसे में अब कोई वजह नहीं है कि साहा को खिलाया जाए और इसलिए ऋषभ पंत ही खेलेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि पहले 6 स्लॉट पूरी तरह से तय है। यहां पर ब्रिस्बेन टेस्ट मैच खेलने वाले मयंक अग्रवाल टीम से बाहर हो जाएंगे। केएल राहुल को खेलने का मौका एक बार फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल के लिए फिलहाल टीम में कोई जगह नहीं है। अब 7वें नंबर पर बहुत बड़ा या कहें कि महाबदलाव होगा हार्दिक पांड्या के रूप में। जी हां, हार्दिक पांड्या की टेस्ट टीम में वापसी हुई है और हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक तेज गेंदबाजी भी करेंगे और 7वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी भी करेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पर एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर ही खेलते हुए दिखेंगे। जडेजा टीम में नहीं है और जडेजा के परफेक्ट रिप्लेसमेंट कहे जा रहे सुंदर ने बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी भी की थी और चेन्नई की टर्निंग विकेट पर सुंदर यहां भी कमाल दिखा सकते हैं, इसलिए सुंदर 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे और स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे। यही नहीं, इसके बाद 9वें नंबर पर रवि अश्विन खेलने आएंगे जो टीम के दूसरे स्पिनर होंगे और तीसरे ऑलराउंडर। चेन्नई के अपने घरेलू मैदान पर अश्विन कितनी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं और बल्लेबाजी में भी चेन्नई की पिच अश्विन को खासी रास आती रही है। यानी नंबर 9 तक यहाँ टीम इंडिया के पास विशुद्ध बल्लेबाज होंगे, जिसमें से 3 ऑलराउंडर हैं। हार्दिक, सुंदर और अश्विन के होने से टीम को जबरदस्त बैलेंस मिला है।
अब टीम में यहाँ पर सिर्फ दो तेज गेंदबाज खेलेंगे। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हो रही है, तो वहीं चोट के बाद वापसी कर रहे ईशांत शर्मा दूसरे तेज गेंदबाज होंगे। जी हाँ, टीम का मुखड़ा, तेज गेंदबाजी का मुखड़ा पूरी तरह से बदल जाएगा। बुमराह और ईशांत पेस अटैक को लीड करेंगे और इनका साथ देंगे हार्दिक पांड्या, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन और सुंदर रहेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात ये भी है कि शानदार बॉलिंग करने वाले मोहम्मद सिराज, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही दमखम दिखाने वाले शार्दुल ठाकुर टीम से बाहर हो जाएंगे, जबकि टी नटराजन और नवदीप सैनी को तो 18 सदस्यीय टीम में ही नहीं चुना गया। तो कुल मिलाकर विनिंग टीम में कई सारे बदलाव होंगे। गेंदबाजों में नटराजन, सैनी, शार्दुल, सिराज चारों ही गेंदबाज बाहर हो जाएंगे, तो बल्लेबाजी में भी मयंक अग्रवाल को बाहर किया जाएगा। हालांकि अब ये टीम और ज्यादा खतरनाक और बैलेंस्ड नजर आ रही है। अब आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया में यही बदलाव होते हैं तो ये कितने सही हैं और ये टीम कितनी परफेक्ट है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो ऋषभ पंत ने वो कारनामा कर दिखाया जो सामान्य बात नहीं है। गाबा के पिच पर पांचवें दिन बैटिंग करना और वो भी 328 रन का टारगेट हासिल करना 3 ओवर पहले ही, ये तो चमत्कार ही हो सकता है और ये चमत्कार ऋषभ पंत ने करके दिखाया। ऋषभ पंत की इस बैटिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तो पंत पर पूरा प्यार ही लुटा दिया और पंत को कप्तान बना दिया। जी हाँ, रहाणे ने मैच के बाद पंत को कप्तानी सौंप दी। अब कैसे हुआ, क्या हुआ वो देखिए। टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी, जश्न शुरू हो गया था, सभी खिलाड़ी मैदान में आकर पहुंचे, पंत को गले लगाया, कुछ ने पंत को सिर आंखों पर उठा लिया और कुछ ने पंत को उठा भी लिया और सभी ने पंत को सिर आंखों पर बैठा लिया। फिर यहीं पर मैदान में तिरंगे की एंट्री हो गई। जी हाँ, तिरंगा झंडा मैदान में आ चुका था। अब वैसे तो विदेशी धरती पर जब भी भारतीय टीम जीतती है तो कप्तान ही तिरंगा झंडा उठाकर सबसे आगे चलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अजिंक्य रहाणे ने ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया। जी हाँ, रहाणे ने पंत को तिरंगा थमा दिया और पंत को लीड करने को कहा। इस दौरान रहाणे पंत का सिर सहलाते हुए शाबाशी देते रहे और एक जूनियर खिलाड़ी ऋषभ पंत को आगे कर दिया, क्योंकि पंत ने अद्भुत चमत्कारिक बल्लेबाजी की थी। इसके बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाया गया और पंत ही टीम को लीड करते रहे। खुद को इतना बड़ा सम्मान मिलता देख ऋषभ पंत की आंखों में आंसू भी आ गए। जी हाँ, जो पंत हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को भी हंसाते रहते हैं, वो पंत रोने लगे और कई लोगों ने पंत को गले लगा लिया। वैसे ऋषभ ने काम ही इतना बड़ा किया था कि उन्हें बड़ा सम्मान मिलना ही था और रहाणे ने भी बड़ा दिल दिखाकर ऋषभ पंत को कप्तानी ही सौंप दी और ये सबसे शानदार पल रहा। पूरी टीम इंडिया तिरंगे के साथ देशभक्ति के जज्बे में ओत प्रोत होकर मैदान के चक्कर लगा रही थी। वहीं स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पूरा मौका इमोशनल और बेहद यादगार हो गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस भी इमोशनल हो गए। रहाणे और पंत ने इसे और भी शानदार और यादगार बना दिया। मैच के बाद पंत ने इस पारी को अपनी टेस्ट इतिहास की सबसे शानदार पारी करार दिया और टीम मैनेजमेंट को इसके लिए धन्यवाद दिया, खासतौर पर रहाणे को दिल से सम्मान दिया। तो ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे के संदाज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, आप भी इस जीत पर इमोशनल हैं तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।